हेलो गाइस, माय नेम इज संस्या महेश्वरी एंड वेलकम टू द क्यूरियोसिटी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ एक सब्जी की, एक ऐसी सब्जी की जिसे आप अपने जीवन में खाने के बाद में कभी नहीं भूले होंगे। एक सब्जी की, यस आई एम टेलिंग अबाउट द वन ऑफ द बिटरेस्ट वेजिटेबल ऑन दिस प्लैनेट, द बिटर गॉड, करेला। सब्जी से याद है अम्मी, अम्मी आज सब्जी में क्या बनाया? क्या हुआ? करेला बनाया है क्या? ओह नो, आखिर क्यों इतना कड़वा होता है ये करेला? तो कड़वा क्यों होता है? क्यों? छोड़ो यार, बट माई क्वेश्चन इज दैट कि वाई दिस बिटर गॉड, जिसे हम करेला कहते हैं, वो इतना कड़वा क्यों होता है? हम सभी ने अपने बचपन में पढ़ा है कि बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हर किसी प्लांट या हर किसी वेजिटेबल या फ्रूट के अंदर स्टार्च डेवलप होता है, जिसके कारण से उसके अंदर स्वीट टेस्ट आता है। तो आखिर ये क्यों इतना कड़वा होता है? लेट मी टेल यू। ऑलराइट, जिसे हम करेला कहते हैं उसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि गोया, जैसे कि बालसन पियर, बिटर गॉर्ड, द वन ऑफ द कूलेस्ट नेम इज द बिटर मेलन। क्या मैंने बिटर मेलन कहा? क्या ये मेलन तो वो होते हैं ना, जो इस तरीके के फ्रूट होते हैं जो गोल होते हैं, जो बिल्कुल मीठे होते हैं, जो बिल्कुल गिलबिले से होते हैं, जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये मेलन कैसे? यस मैंने सही कहा और आपने भी सही सुना। जो करेले होते हैं वो मेलन फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। जो करेला होता है यानी कि बिटर मेलन जो होता है, वो वाटर मेलन यानी कि तरबूज, विंटर मेलन या मस्क मेलन, इन सभी का दूर का रिश्तेदार होता है। बस फर्क ये होता है कि वो मीठे होते हैं और ये कड़वा। जो बिटर मेलन है, तो बिटर मेलन होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ममोर्डिका चरेंडिया। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है ममोर्डिसिन, जिसके जो कि वन ऑफ द बिटरेस्ट कंपाउंड फाउंड इन द फूड होता है। ठीक है, इतना कड़वा, जिसके कारण से इसके अंदर इतना कड़वापन आता है, इसी के कारण से ये करेला जो होता है बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इस कंपाउंड के कारण से। ठीक है, बट ये चीज इसको बहुत ज्यादा फेमस ही बनाती है। ठीक है, ये जो करेला होता है पूरे विश्व में बहुत फेमस है। अगर कहूँ तो एशिया के अंदर तो इसका मेडिकल यूजेस के अंदर फील्ड में यूज होता है, और इंडिया के अंदर तो बहुत सालों से आयुर्वेदा के अनुसार कहा हुआ है कि करेले का यूज गांव या इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो उसे सही करने में यूज आता है, एज वेल एज जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है उसे भी सही करने में काम आता है। और तो और जो करेला होता है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर द डायबिटीज ट्रीटमेंट, एज वेल एज रिसर्च से पता चला है कि जो करेला होता है इट इज ऑल्सो गुड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। बट किसी चीज की खूबियां होती है तो उसकी बहुत सारी खामियां भी होती है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ खूबियां है तो कुछ ना कुछ खामियां भी है। देखिए, जो करेला होता है वो अगर कभी किसी स्टैंडर्ड मेडिसिन या स्टैंडर्ड ड्रग्स के साथ में किसी की बॉडी के अंदर अगर मिल जाए, तो उसके कारण से उसके अंदर जो शुगर लेवल है वो बहुत ही तेजी से घट जाएगा, जिसके कारण से आगे जाके बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तभी तो कोई भी डायबिटीज पेशेंट होता है जो कि डायबिटीज की स्टैंडर्ड मेडिसिन लेता है या कोई भी ड्रग्स लेता है या और भी कोई पेशेंट होता है, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है इस करेले को खाने के लिए। और तो और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ऑलराइट, उन्हें करेला खाने से डॉक्टर सख्त ही मना करता है, क्योंकि इसी कारण से उनकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, एज वेल एज प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, इसलिए डॉक्टर प्रेग्नेंट वुमेन को भी करेला खाने से मना करते हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है करेले के लिए भी।
सो गाइज ये सारी बातें थी करेले के लिए और एज वेल एज उनके बारे में बहुत सारे जो फैक्ट थे और उसके पीछे का रीजन कि आखिर ये क्यों इतना कड़वा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा एज वेल एज शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस करेले के बारे में जान सके और इसके बारे में जान सके कि ये क्यों इतना कड़वा होता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ फन, हैव अ क्यूरियोसिटी, बाय बाय, जय हिंद। और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे दबाओ। बाय बाय।